हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो सॉल्यूशंस में हम लोग 2019 एंड 20 में जेई मेंस में इलिप्स और हाइपरबोला सेक्शन से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में देखिए स्टूडेंट, हमें ये कहा गया है कि थीटा जो है वो 0 से π/2 के बीच में है। इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला x²/cos²θ माइनस y²/sin²θ इक्वल टू 1 इज ग्रेटर देन 2 then the length of the latest rectum lies in this in the interval। यानी कि इस हाइपरबोला की जो इसेंट्रिसिटी है वो 2 से बड़ी है। तब हम लोगों को ये पता करना है स्टूडेंट्स कि लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ है उसका इंटरवल क्या हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग इसेंट्रिसिटी के बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे यूज़ करेंगे। तो हाइपरबोला में हम रिलेशन लिखते हैं b² यानी कि sin²θ इक्वल्स टू a² दैट इज cos²θ इंटू e² - 1। सो दिस फ्रॉम दिस वी गेट e² - 1 इक्वल्स टू 10²θ। सो e² = 1 + 10²θ दैट इज sec²θ। नाउ इसेंट्रिसिटी इज sec θ। नाउ थीटा जो है स्टूडेंट वो 0 से π/2 के बीच में है और इसेंट्रिसिटी हमें दी गई थी कि 2 से बड़ी है, दैट इज sec θ इज लार्जर देन 2। तो 0 से π/2 में स्टूडेंट हमें सोचना है कि sec θ की जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी कौन से इंटरवल में होती है। तो sec θ की वैल्यू 2 होती है स्टूडेंट्स 60 डिग्री एंगल पर, और 60 डिग्री से बड़े एंगल्स पर sec θ की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 से बड़ी होती है। सो फ्रॉम हेयर वी कैन कंक्लूड दैट थीटा विल लाई बिटवीन इंटरवल π/3 to π/2। नाउ अब हम लोगों को इसके लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकालनी है। तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ स्टूडेंट होती है 2b² / a, दैट इज 2b² is sin²θ, a इज cos θ, करेक्ट, दैट इज दिस बिकम्स 2। यहां से भी हम लोग स्टूडेंट सीधे भी देख सकते हैं कि देखिए थीटा π/3 से π/2 तक जाएगा, तो sin²θ स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि π/3 से लेकर के यानी 60 डिग्री से 90 डिग्री तक sin θ जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और cos θ स्टूडेंट π/3 से π/2 तक डिक्रीजिंग होता है। तो चूंकि ये डिनोमिनेटर में लिखा है सो 1/cos θ दैट इज sec θ इज ऑल्सो इंक्रीजिंग इन π/3 to π/2। तो इस पूरे की मिनिमम वैल्यू मैं π/3 पे निकाल सकता हूँ और मैक्सिमम वैल्यू π/2 पर। π/3 अगर इसके अंदर हम रखते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए π/3 पर हम लोगों को वैल्यू मिलेगी sin π/3 √3/2² (3/4)/cos π/3 = 1/2। ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी स्टूडेंट। नाउ π/2 पे वैल्यू निकालते हैं, तो π/2 पे देखिए स्टूडेंट ऊपर तो आएगा 1, 2 × 1, नीचे आ जाएगा 0, एंड नीचे 0 आने पे फंक्शन इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करेगा। सो मैक्सिमम वैल्यू इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटिव, दैट इज दिस इंटरवेल इज, अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट तो ये आ रहा है 3 to ∞, यानी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 3 से इनफाइनाइट तक मूव कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए स्टूडेंट की क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें हमें कहा है कि एक हाइपरबोला है जिसका सेंटर ओरिजन पर है, 4,2 से वो हाइपरबोला पास होता है और उसकी जो ट्रांसवर्स एक्सिस है उसकी लेंथ 4 है और वो अलोंग दी एक्स एक्सिस है, यानी एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला की बात हो रही है स्टूडेंट्स। x²/a² - y²/b² = 1 इस स्ट्रक्चर के हाइपरबोला की हम लोग बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट हमने सबसे पहले देखा कि ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ है 4, यानी कि 2a जो है वो हम लोगों के पास में 4 है, यानी यहां से हमें इंफॉर्मेशन मिली कि a की वैल्यू 2 है। अब स्टूडेंट हम लोगों ने हाइपरबोला को सपोज कर लिया x²/a² - y²/b² बी हमें पता नहीं है = 1। अब बी की वैल्यू को निकालने के लिए स्टूडेंट हम लोग इस हाइपरबोला को 4,2 इस पॉइंट से सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो इसे मैंने 4,2 पॉइंट से सेटिस्फाई कराया। तो 16/4 यानी 4 - 4/b² = 1। तो यहां से देखिए स्टूडेंट हमें मिल रहा है 4/b² = 3, दैट इज b² = 4/3। अब इसेंट्रिसिटी स्टूडेंट हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम रिलेशन यूज करेंगे कि b² यानी 4/3
equal to a square, that is 4, into e square minus 1. ये this is the standard relation in hyperbola. तो यहां से स्टूडेंट हमें ए ई स्क्वायर माइनस वन मिलता है 1/3. तो देखिए ई स्क्वायर मिलेगा 4/3. तो ई हम लोग कह सकते हैं यहां से कि इसेंट्रिसिटी होगी 2/√3, जो हमें ऑप्शन नंबर 2 में दी गई है. क्वेश्चन नंबर 3. इस क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें एक हाइपरबोला दिया है स्टैंडर्ड, जिसकी एक टेंजेंट की इक्वेशन हमसे पूछी गई है, जो कि x − y = 2 इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए. तो स्टूडेंट देखिए, हाइपरबोला की इक्वेशन तो हम लोगों को दी गई है x² / 20 से मैं इधर डिवाइड कर दूंगा, तो x² / 5 माइनस y² / 4 = 1. दिस इज हाइपरबोला. ये जो हम लोगों को स्ट्रेट लाइन दी गई है स्टूडेंट, इसका अगर हम स्लोप देखेंगे सो स्लोप इज 1. तो अल्टीमेटली हम लोगों को इस हाइपरबोला की एक ऐसी टेंजेंट निकालनी है जिसका स्लोप 1 है. तो इसके लिए स्टूडेंट हमें डायरेक्टली फॉर्मूला पता है, y = mx + √a² × m² - b². तो यहां पर स्टूडेंट हो जाएगा y = x + − ये हो जाएगा √1, दैट इज 1. तो x − y + −1 = 0. तो ये स्टूडेंट हमारे पास में आंसर आया हमारा. और इन दोनों, ये दो स्ट्रेट लाइंस हमें मिल रही है, जिनमें से एक लाइन हमें फोर्थ ऑप्शन में दी गई है, तो वही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए स्टूडेंट, हम लोगों को एक सेट नोटेशन में एक कर्व की इक्वेशन दी गई है, s = collection of x, y which is belonging to r² y² / 1 + r − x² / 1 − r = 1, where r is not equal to ±1. इस पूरी बात का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कि s जो सेट है वो ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन करेगा जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो एक कर्व की इक्वेशन हमें इनडायरेक्टली दी गई है. तो अब इसमें देखिए स्टूडेंट, हम लोगों से ये पूछा है कि ये सेट कौन से कर्व को रिप्रेजेंट करेगा. अलग अलग ऑप्शंस में हमें अलग अलग कर्व दे रखे हैं और हमें आर की अलग अलग वैल्यूज भी बताई गई हैं. तो स्टूडेंट देखते हैं कि इसको हम लोग किस तरह से कर सकते हैं. तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले कि ये जो कर्व हम लोगों को दिया गया है, इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूं कि x² / r − 1, इस माइनस को मैंने इधर लिखा, प्लस y² / r + 1 = 1. ये इक्वेशन हम लोगों को स्टूडेंट दी गई है. ऑप्शंस में देखिए स्टूडेंट, हम लोगों को इलिप्स और हाइपरबोला दिए गए हैं. तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट कि ये इलिप्स को रिप्रेजेंट कब करेगा, जब r - 1 भी पॉजिटिव होगा और r + 1 भी पॉजिटिव होगा. अगर ये दोनों ऑप्शन स्टूडेंट पॉजिटिव हुए तो ये इलिप्स रिप्रेजेंट करेगा, यानी r should be greater than 1 and r should be greater than −1. अल्टीमेटली इससे हम लोग बोल सकते हैं कि r should be greater than 1. तो r अगर स्टूडेंट 1 से बड़ा होगा तो दिस विल बी एन इलिप्स. तो ऑप्शन में स्टूडेंट हमें एक ऐसा ऑप्शन दिख तो रहा है जिसमें r के 1 से बड़ा होने पर इलिप्स इसको बोला गया है, लेकिन हमें उसकी इसेंट्रिसिटी भी चेक करनी है. तो इस केस में देखिए, इसेंट्रिसिटी हम कैसे निकालेंगे. तो स्टूडेंट ऑब्वियस ही बात है कि देखिए, r - 1 जो है वो एक छोटी क्वांटिटी होगी और r + 1 जो है वो स्टूडेंट एक बड़ी क्वांटिटी होगी. इसका मतलब ये एक ऐसा इलिप्स है स्टूडेंट जिसमें एक्स एक्सिस तो हमारे पास में माइनर एक्सिस का काम कर रही है और वाई एक्सिस जो है वो मेजर एक्सिस का काम कर रही है. तो अकॉर्डिंग टू दैट फैक्ट हम लोग इसेंट्रिसिटी रिलेशन निकालेंगे. तो इस प्रकार के इलिप्स में स्टूडेंट इसेंट्रिसिटी का रिलेशन होता है a² = b² × 1 − e². तो यहां से स्टूडेंट 1 − e² आ जाता है r − 1 / r + 1, यानी कि e² आ जाता है 1 − r − 1 / r + 1, जो कि हमारे पास हो जाएगा अल्टीमेटली 2 / r + 1. तो इसेंट्रिसिटी हो जाएगी स्टूडेंट हमारे पास में √2 / r + 1.
तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी है स्टूडेंट, तो ये एक इलिप्स होगा और उसकी सेंट्रिसिटी स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन आर प्लस 1 होगी। अब देखिए स्टूडेंट, आपको ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो बिल्कुल यही दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखिए स्टूडेंट, हमें एक पैराबोला दिया गया है और एक हाइपरबोला दिया गया है, और इन दोनों की कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग टेंजेंट की इक्वेशन को सपोज कर लेते हैं। हम जानते हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टेंजेंट, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला के लिए टेंजेंट की इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m, और इस पैराबोला में a की वैल्यू 1 है। तो मैंने टेंजेंट की इक्वेशन को सपोज किया वाई इक्वल टू mx प्लस a, a इज 1 अपॉन m। तो ये स्टूडेंट इस पैराबोला की तो टेंजेंट है ही। नाउ इफ दिस स्ट्रेट लाइन टचेज दिस हाइपरबोला देन दिस विल बिकम टेंजेंट टू बोथ द कर्व्स, और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि कर्व हमें दे रखा है एक्स वाई इक्वल्स टू 2, स्ट्रेट लाइन 1 इज टेंजेंट टू कर्व नंबर 2, सो इन दोनों को सॉल्व करने पर स्टूडेंट हमें सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलना चाहिए। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल पुट वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम देयर वी आई विल गेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x एंड आई विल पुट डिस्क्रिमिनेंट एज 0, सो दिस बिकम्स x इनटू mx प्लस 1 by m equals to 2, that is m x square plus 1 by m into x minus 2 equals to 0. Now I will put d equals to 0. So this becomes b square minus 4a into c equals to 0. So this becomes 8m cube equals to minus 1. So m यहां से हमें स्टूडेंट मिलता है माइनस में 1 upon 2. So I will put value of this m in equation number 1 and then we will get equation of common tangent. तो equation number 1 में हम लोग m की इस value को रखते हैं y equals to minus 1 by 2 into x minus 2, that is 2y equal to minus x एंड माइनस 4, यहां पे हमें माइनस 4 मिलेगा माइनस एक्स माइनस 4, दैट इज एक्स प्लस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और ये हमें स्टूडेंट ऑप्शन नंबर थर्ड में दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, इफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द इलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 2 एट ऑल पॉइंट्स ऑन द इलिप्स अदर देन इट्स 4 वर्टिसेस, देन द मिड पॉइंट्स ऑफ द टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस लाई ऑन द कर्व। यानी कि स्टूडेंट हमें ये कहा है कि इस कर्व के सभी पॉइंट्स पर हम लोग टेंजेंट खींच रहे हैं वर्टेक्स को छोड़ करके, तब उस टेंजेंट का जो पोर्शन एक्स और वाई एक्सिस के बीच में इंटरसेप्ट होगा उसका मिडिल पॉइंट कौन से कर्व पर लाई करता है, यानी मिडिल पॉइंट का लोकस हमसे पूछा है। तो जैसे स्टूडेंट इस इलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 इक्वल टू 1, तो ज्योमेट्रिकली अगर मैं एक्सप्लेन करूं स्टूडेंट आपको, लेट अस से दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस एंड ये हम लोगों के पास में इस प्रकार से ये हम लोगों का इलिप्स है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट इसमें इस प्रकार से कोई टेंजेंट खींची गई है जो कि एक्स एक्सिस को लेट अस से पॉइंट ए पर और y एक्सिस को लेट अस से पॉइंट b पर टच करती है, तो इस AB का जो मिडिल पॉइंट होगा हमें उसका लोकस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस हम लोग क्या करेंगे, इसकी किसी टेंजेंट की इक्वेशन को सपोज कर लेते हैं, लेट अस से कि इसकी टेंजेंट जो है उसको हम सपोज करते हैं, तो टेंजेंट को सपोज कर लेता हूं स्टूडेंट मैं x अपॉन रूट 2 cos थीटा। पैरामेट्रिक पॉइंट में टेंजेंट की इक्वेशन होती है इलिप्स में x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा इक्वल टू 1, तो x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा इक्वल्स टू 1। नाउ पॉइंट a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे स्टूडेंट, आई विल पुट वैल्यू ऑफ y 0, सो x बिकम्स रूट 2 अपॉन cos थीटा,
दैट इज रूट टू सेक थीटा कॉमा जीरो. ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हुए. इसी तरह से पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए स्टूडेंट मैं इसमें एक्स को जीरो रखूंगा. एक्स को जीरो रखेंगे वाई आएगा वन अपॉन साइन थीटा दैट इज कॉसेक थीटा. तो ये स्टूडेंट हमारे पास में ए और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आए. हमें इसके मिडिल पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है. तो अगर इसके मिडिल पॉइंट को स्टूडेंट मैं पी पॉइंट मान लूं, उसका नाम पी बोल दूं, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, रूट टू सेक थीटा प्लस जीरो डिवाइड बाई टू दैट इज सेक थीटा अपॉन रूट टू कॉमा जीरो प्लस कॉसेक थीटा अपॉन टू दैट इज कॉसेक थीटा अपॉन टू. नाउ वी वॉन्ट टू फाइंड लोकस ऑफ दिस पॉइंट. तो इसके लोकस के लिए हम लोग स्टूडेंट क्या करेंगे, इस कोऑर्डिनेट को एक्स रखेंगे और इस कोऑर्डिनेट को हम लोग वाई रखेंगे. तो देखिए स्टूडेंट, एक्स को मैंने रख दिया सेक थीटा अपॉन रूट टू और वाई को मैंने रख दिया कॉसेक थीटा अपॉन टू. तो यहां से स्टूडेंट मुझे कॉस थीटा मिल देगा वन अपॉन रूट टू एक्स और यहां से स्टूडेंट हम लोगों को साइन थीटा मिल जाएगा वन अपॉन टू वाई. नाउ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन दैट इज वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन फोर वाई स्क्वायर इक्वल टू वन. दिस इज रिक्वायर्ड लोकस. तो ये स्टूडेंट वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन फोर वाई स्क्वायर इक्वल टू वन ऑप्शन नंबर फोर्थ में हमें नजर आ रहा है. क्वेश्चन नंबर सेवंथ, क्वेश्चन नंबर सेवंथ में स्टूडेंट हम लोगों को दिया है लेट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, लेट द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन इलिप्स विथ इट्स मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट द ओरिजन इज एट. दैट इज एक स्टैंडर्ड इलिप्स हमें दिया गया है स्टूडेंट और इसमें हम लोगों को लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ दैट इज टू बी स्क्वायर अपॉन ए, ये हम लोगों को एट गिवन है. दो इलिप्स के दोनों फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो हमारे पास में माइनर एक्सिस की लेंथ के बराबर है. तो स्टूडेंट हम लोग जानते हैं कि माइनर एक्सिस की लेंथ होती है 2b और दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस होती है 2ae. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दीज टू डिस्टेंसेज आर इक्वल. देन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो पॉइंट्स लाइज ऑन इट. इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट कि मुझे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके इलिप्स की इक्वेशन निकालनी होगी और इलिप्स की इक्वेशन को इन चारों पॉइंट्स में से जो भी पॉइंट सेटिस्फाई करेगा वो हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना. तो हम लोग पहले इलिप्स की इक्वेशन को निकालने की कोशिश करेंगे. तो यहां से स्टूडेंट देखिए बी स्क्वायर हमें मिलता है 4a, ये पहली इक्वेशन हमें मिली. यहां पर स्टूडेंट मैंने 2 और 2 को कैंसिल किया और फिर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर. नाउ स्टूडेंट बी स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर के बराबर. तो यहां से हमें रिलेशन मिलता है कि ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर. ठीक है, ए स्क्वायर को हमने थ्रू आउट कैंसिल कर दिया तो टू ई स्क्वायर इक्वल टू वन दैट इज ई इक्वल्स टू वन अपॉन रूट टू. इसेंट्रिसिटी की स्टूडेंट हम लोगों को वैल्यू मिल जाती है. तो इस इसेंट्रिसिटी को मैं वापस से स्टूडेंट इक्वेशन नंबर टू में अगर रख देता हूं तो देखिए मुझे क्या मिलेगा. सेकेंड इक्वेशन में e की वैल्यू को रखने पर b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई टू और यहां पर स्टूडेंट मैं b स्क्वायर को फिर से लिख देता हूं 4a. तो 4a इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन टू दैट इज a इक्वल्स टू 8. यहां से हमें देखिए a की वैल्यू तो मिल गई है 8 और ऐसे स्टूडेंट b स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन से 4 इंटू 8 दैट इज 32. ए और बी की वैल्यू हमें मिल चुकी है स्टूडेंट. तो देखिए इलिप्स की इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन. इस तरह से हम लोगों ने इलिप्स की इक्वेशन को निकाल लिया स्टूडेंट. अब हम ऑप्शंस को देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा रहा है, कर रहा है. तो स्टूडेंट पहला ऑप्शन अगर मैं इसके अंदर रख के देखता हूं तो एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ 16 इंटू 3 अपॉन 64
प्लस वाई स्क्वायर का मतलब हुआ 4 इंटू 2 अपॉन 32 इक्वल्स टू 1। तो आप देखिए स्टूडेंट, ये हो गया हमारे पास में 3 बाई 4 प्लस 1 अपॉन 4 इक्वल टू 1, दैट इज 1 इक्वल टू 1 विच इज करेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि पहला ही ऑप्शन, पहले ऑप्शन में जो पॉइंट हमें दे रखा है वो इस एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए यही ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए स्टूडेंट, हमें ये कहा है कि एक हाइपरबोला है जिसमें कॉन्जुगेट एक्सिस की जो लेंथ है वो 5 के बराबर है और दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस 13 के बराबर है। तो स्टूडेंट हम लोग इसको स्टैंडर्ड हाइपरबोला सपोज कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली सारी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ होती है स्टूडेंट 2b विच इज गिवन एज 5, तो b हो गया 5/2। फोकस के बीच की डिस्टेंस होती है स्टूडेंट 2ae विच इज गिवन एज 13, ठीक है। तो अब स्टूडेंट हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग रिलेशन यूज करेंगे बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, दिस इज द रिलेशन इन हाइपरबोला। बी स्क्वायर का मतलब हुआ स्टूडेंट 25/4, बी की हमने डायरेक्टली वैल्यू रख दी और ए की भी वैल्यू हम लोग यहां से रख सकते हैं स्टूडेंट। ए की वैल्यू इसेंट्रिसिटी की टर्म्स में देखिए क्या लिख सकते हैं, 13/2e, तो ए स्क्वायर हो गया 169/4e² इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। तो ये 4 और ये 4 स्टूडेंट कैंसिल हुआ हम लोगों के पास में, तो यहां से आया 25e² इक्वल टू 169e² माइनस 169। तो यहां से स्टूडेंट देखिए 25e² को राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगा तो 4 एंड 1 144e² इक्वल टू 169, दैट इज e इक्वल्स टू 13/12। ये इसेंट्रिसिटी की वैल्यू मिली और ये हमें ऑप्शन नंबर 2 में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9th में स्टूडेंट हम लोगों को कहा है द वर्टिसेस ऑफ ए हाइपरबोला -2,0 एंड 2,0 एंड वन ऑफ इट्स फोकाय बी एट -3,0, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज नॉट लाई ऑन दिस हाइपरबोला। तो स्टूडेंट देखिए स्टैंडर्ड हाइपरबोला है और उसमें वर्टेक्स प्लस माइनस 2,0 पर लाई करते हैं, इसका मतलब ए की जो वैल्यू है वो 2 हो जाती है क्योंकि वर्टेक्स प्लस माइनस ए कॉमा जीरो होते हैं, फोकस जो होता है स्टूडेंट वो प्लस माइनस ए ही कॉमा जीरो होता है और एक फोकस हमें -3,0 दे रखा है, इसका मतलब ए इंटू ई जो है वो 3 के बराबर है। इसमें मैं ए को 2 रख देता हूं तो इसेंट्रिसिटी हमें मिल जाती है 3/2। अब स्टूडेंट अगर हमें ए और इसेंट्रिसिटी पता है तो हम बी भी निकाल सकते हैं इस रिलेशन को यूज करके, तो बी स्क्वायर हो गया स्टूडेंट हम लोगों के पास में 4 × 9/4 - 1, दैट इज 5। तो हाइपरबोला की इक्वेशन हो जाएगी स्टूडेंट x² / a² - y² / b² = 1, दिस इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अब हमसे स्टूडेंट पूछा था कि चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि इस कर्व पर लाई नहीं करता है, इसका मतलब कोई एक ऑप्शन स्टूडेंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, हमें वही चेक करना है। तो पहला ऑप्शन अगर मैं इसके अंदर रख के देखता हूं स्टूडेंट्स, तो देखिए 36/4 - y² का मतलब हो जाएगा 4 × 10/25 = 1, दैट इज 9 माइनस, देखिए 5 से स्टूडेंट कैंसिल करते हैं तो इधर 2 इधर 5, तो ये हमारे पास में हो जाता है 8 = 1, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट यहां पर हम लोगों के पास में 36/4 - 4 × 10/25 = 1, तो 9 - 8/5 = 1। स्टूडेंट देखिए हम लोगों ने यहां पर एक कैलकुलेशन एरर कर दी, हाइपरबोला की इक्वेशन होनी चाहिए थी x² / a² - y² / b² बी स्क्वायर की वैल्यू 5 थी जिसे हमने गलती से यहाँ पे 25 लिख दिया है, तो इसको हम लोग सही से इसको करेक्ट कर देते हैं।
तो यहां स्टूडेंट इक्वेशन हमें लिखना है 5, अब देखिए ऑप्शंस को चेक करते हैं, पहला ऑप्शन रखते हैं तो 36 अपॉन 4 दैट इज 9 माइनस वाई स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 4 इंटू 10 अपॉन 5 इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 9 माइनस 40 अपॉन 5 दैट इज 8 इक्वल टू 1, 1 इक्वल्स टू 1 विच इज करेक्ट, यानी कि पहला पॉइंट तो इस कर्व पर लाई करता है। सेकेंड पॉइंट को रख के देखते हैं स्टूडेंट्स, तो सेकेंड पॉइंट रखेंगे हम लोग स्टूडेंट, तो एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ 4 इंटू 6 अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर का मतलब हुआ स्टूडेंट यहां पे 25 अपॉन 5 मतलब 5 इक्वल टू 1, तो ये 6 माइनस 5 इक्वल टू 1 विच इज ऑल्सो करेक्ट, तो सेकेंड ऑप्शन भी स्टूडेंट इसी कर्व पर लाई करता है। तीसरे ऑप्शन को देखते हैं, तो तीसरे ऑप्शन में आ रहा है स्टूडेंट 4, तो 4 स्क्वायर करेंगे 16 अपॉन 4 यानी कि 4 माइनस 15 अपॉन 5 दैट इज 3 इक्वल टू 1, अगेन दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, तो थर्ड ऑप्शन थर्ड पॉइंट भी इसी कर्व पे लाई करता है। फोर्थ ऑप्शन को चेक करते हैं स्टूडेंट, तो देखिए 6 स्क्वायर 36 अपॉन 4 यानी 9 माइनस 5 रूट 2 यहां पे रखेंगे स्टूडेंट, तो 25 इंटू 2 यानी 50 अपॉन 5 दैट इज 10 इक्वल टू 1, तो ये तो स्टूडेंट आया माइनस 1 इक्वल टू 1 जो कि सही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि चौथे ऑप्शन में जो हमें पॉइंट दे रखा है वो इस कर्व पर लाई नहीं करता, इसलिए वो हमारा वही हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th में स्टूडेंट हम लोगों को ये कहा है कि एक इलिप्स है जिसके दो फोकस एस एंड एस डैश है, बी जो है इसकी माइनर एक्सिस का एंड पॉइंट है, ट्रायंगल एस बी एस डैश एक राइट ट्रायंगल है जिसमें बी पर राइट एंगल है, तो स्टूडेंट हम लोग हाइपरबोला या सॉरी इलिप्स का हम लोग डायग्राम बना लेते हैं पहले, तो ये स्टूडेंट हम लोगों के पास में एक इलिप्स है, माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट को बी बोल रखा है, तो इस पॉइंट को हम लोग बी नाम दे देते हैं, और यहां पर हमारे पास में एक फोकस है और यहां पर हमारा इसका दूसरा फोकस है एस डैश। ट्रायंगल एस बी एस डैश जो है, इस ट्रायंगल की बात हो रही है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास में राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि बी पर राइट एंगल है, यानी ये वाला एंगल स्टूडेंट हमारे पास में 90 डिग्री है, और इस ट्रायंगल का एरिया स्टूडेंट हम लोगों को 8 स्क्वायर यूनिट्स दिया गया है, देन द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ दिस इलिप्स, इस इलिप्स की लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हमसे पूछे, तो हमने सबसे पहले जो स्टूडेंट इस पूरे इलिप्स को एक स्टैंडर्ड इलिप्स मान लिया कि ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये 0, b हो गया स्टूडेंट, ये ए ही कॉमा 0 हो गया और ये माइनस ए ही कॉमा 0 हो जाता है, तो अगर मैं स्टूडेंट इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करूं तो वो होगा 1/2 इंटू बेस, बेस मतलब एस एस डैश, उसकी लेंथ है 2a इंटू हाइट स्टूडेंट इसकी है b, और ये एरिया हम लोगों को दिया हुआ है 8, तो यहां से स्टूडेंट हमें a b और इसेंट्रिसिटी में एक रिलेशन मिल गया है कि a इंटू बी इंटू ई इक्वल्स टू 8, ठीक है, ये रिलेशन हम लोगों को मिल चुका है। अब स्टूडेंट हमें इस इलिप्स में लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ को फाइंड आउट करना है, तो देखिए लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 2b² / a, और हम लोग b स्क्वायर को लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू 1 - e² / a, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 2a * 1 - e². अब देखिए स्टूडेंट कि अभी हमें फिलहाल ना तो a और ना ही इसेंट्रिसिटी की वैल्यू पता है, तो हमें कुछ और इंफॉर्मेशन भी यूज करनी पड़ेगी, तो एक बात को आप ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट अगर ये हमारे पास में राइट ट्रायंगल है, हमें ये पता है कि b पॉइंट की s से डिस्टेंस और b पॉइंट की s डैश से डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, तो ये दोनों डिस्टेंसेज हमारे पास इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि ये दोनों एंगल भी हमारे पास इक्वल होंगे, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है और ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब होगा स्टूडेंट कि ये एंगल और ये एंगल दोनों 45 डिग्री के एंगल हैं, ठीक है, ये भी हमारे पास 45 डिग्री का एंगल है और ये भी हम लोगों के पास 45 डिग्री का एंगल है, तो अगर मैं स्टूडेंट्स
अगर मैं ट्राइंगल ओ बी एस की बात करूं तो इस ट्राइंगल में अगर ये एंगल हमारे पास में 45 डिग्री है स्टूडेंट, तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की लेंथ इसमें स्टूडेंट है बी और बेस इसमें हम लोगों के पास में है ए इंटू ई, टेन 45 डिग्री वन होता है, तो यहां से हमें स्टूडेंट रिलेशन मिला कि बी इक्वल्स टू व्हाट ए ई। अब इस रिलेशन को हम लोग स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको मैं इक्वेशन नंबर थर्ड नाम दे देता हूं, इस रिलेशन को स्टूडेंट मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यूज करता हूं, तो बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट ए इंटू ई को मैं बी लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट बी स्क्वायर इक्वल्स टू एट, यानी बी यहां से हमें मिल चुका है टू रूट टू। ठीक है, ये हम लोगों को स्टूडेंट बी की वैल्यू मिल चुकी है। अब इस बी की वैल्यू को स्टूडेंट मैं हम लोग बी की वैल्यू मिल चुकी है, यानी हमें ए इंटू ई की वैल्यू भी मिल चुकी है, तो मैं फिर से ये रिलेशन यूज अगर करता हूं बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट देखिए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, बी स्क्वायर हमारे पास में आ चुका था स्टूडेंट एट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर जो है वो बी स्क्वायर के बराबर है स्टूडेंट, तो इसको भी मैं एट लिख सकता हूं, तो यहां से ए स्क्वायर आ चुका है 16, यानी ए हो चुका है 4। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की बात अगर फिर से करें स्टूडेंट तो ये होनी चाहिए 2b² / a, यानी कि 2b² का मतलब हुआ 8 और a का मतलब हुआ 4, तो ये हुआ स्टूडेंट हमारे पास में 4, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होगी 4 जो कि ऑप्शन नंबर 4th में हमें दी गई है। क्वेश्चन नंबर 11th में स्टूडेंट हम लोगों को कहा है कि इन द टेंजेंट्स ऑन द एलिप्सिस एट द पॉइंट 1, 2 एंड ए कॉमा बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इस एलिप्स के 1, 2 पॉइंट पर खींची गई जो टेंजेंट है और ए कॉमा बी पर जो खींची गई टेंजेंट है अगर वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तब ए स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों से पूछी गई है। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहली बात तो ये है कि इफ ए कॉमा बी पॉइंट लाइज ऑन दिस कर्व देन ए कॉमा बी शुड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन ऑफ कर्व, दैट इज वी कैन राइट 4a² + b² = 8, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद देखिए स्टूडेंट कि अगर मैं टेंजेंट की बात करूं 1, 2 पॉइंट पर तो उसकी इक्वेशन होगी 4x + y की जगह आएगा y (2) = 8, इसका जो स्लोप है स्टूडेंट ये हम लोगों के पास में है -2। फिर इसी तरह से अगर मैं स्टूडेंट टेंजेंट की बात करूं पॉइंट ए कॉमा बी पर तो वो होगा 4a (x) + y (b) इक्वल्स टू 8। अगर इसके स्लोप की बात करते हैं स्टूडेंट तो इसका स्लोप है हम लोगों के पास में है -4a/b। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दीज टू टेंजेंट शुड बी परपेंडिकुलर, सो m1 × m2 शुड बी -1, तो -2 × -4a/b = -1, दैट इज b = -8a। ये हम लोगों को स्टूडेंट एक a और b में एक सेकेंड रिलेशन मिला, इस b की वैल्यू को स्टूडेंट मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देता हूं, तो 4a² + b² का मतलब हो जाएगा 64a² = 8, तो यहां से स्टूडेंट ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 8/68, ए स्क्वायर की वैल्यू ही स्टूडेंट हम लोगों से पूछी गई है, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलता है 2/17 और ये स्टूडेंट हमें ऑप्शन नंबर 4th में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ में स्टूडेंट हमें O 0, 0 और A 0, 1 दो फिक्स पॉइंट दिए गए हैं, P पॉइंट का लोकस हमसे पूछा है सच दैट ट्रायंगल AOP का जो एरिया है वो हम लोगों के पास में 4 यूनिट्स रहे, तो स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पॉइंट P को सपोज कर लेंगे कि वो पॉइंट है हम लोगों के पास में x, y,
अब ट्रायंगल OAP का एरिया हम लोगों को निकालना है, और वो एरिया में, सॉरी एरिया नहीं, पेरीमीटर हमें निकालनी है, और वो पेरीमीटर हमें बोल रखा है 4। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल OAP इज 4। तो पेरीमीटर स्टूडेंट क्या होगी, OA, तीनों साइड की लेंथ हमें निकालनी है, तो OA प्लस AP प्लस OP दिस इक्वल्स टू 4। तो सीधे सीधे हम लोग इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, तो O और A पॉइंट के बीच की डिस्टेंस तो हमें दिख रही है स्टूडेंट की वो 1 है, A और P पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, A है 0.1, P है x, y, तो इनके बीच की डिस्टेंस आएगी स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, इस पूरे का रूट, और OP डिस्टेंस स्टूडेंट आएगी हम लोगों के पास में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, दैट इज रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 4। अब स्टूडेंट हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है तब हमें आंसर मिलेगा। देखिए ये हो जाएगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका रूट इक्वल्स टू 3 माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो वी टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, सो एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर कैन बी कैंसिल्ड आउट एंड वी कैन राइट 6 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8 प्लस 2y। ठीक है, अब इस हम लोग पहले तो दोनों तरफ 2 से कैंसिल कर देंगे और फिर हम लोग फिर से स्क्वायरिंग करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे, यहाँ 3 होगा, स्क्वायर करेंगे 9 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ हो चुका होगा 4, स्क्वायर किया तो 16, यहाँ हो चुका होगा वाई, स्क्वायर किया तो वाई स्क्वायर, और यहाँ 4 या 1, तो यहाँ आ जाएगा सुन 8 वाई। ठीक है, ये हम लोगों के पास में आएगा, तो इसको सिंप्लीफाई अगर हम लोग करते हैं सुन, तो ये हमें मिलता है 9 एक्स स्क्वायर प्लस 8 वाई स्क्वायर माइनस 8 वाई माइनस 16 इक्वल टू 0। 9x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 8y इक्वल्स टू 16, ऑप्शन नंबर 4th हमें आंसर के रूप में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13th, क्वेश्चन नंबर 13th में स्टूडेंट हम लोगों को कहा है कि एक इलिप्स है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है, इफ द डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ द मेजर एंड माइनर एक्सिस इज 10 एंड वन ऑफ द फोकाई इज एट 0.5√3 देन द लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम। क्योंकि स्टूडेंट देखिए सेंटर हमारे पास में ओरिजिन पर है और जो फोकस है इसका वो 0.5√3 पर है, इसका मतलब यहाँ पर स्टूडेंट माइनर एक्सिस का काम तो कर रहा है मेजर एक्सिस का काम तो कर रहा है वाई एक्सिस, और माइनर एक्सिस का काम कर रहा है हमारे पास में एक्स एक्सिस। तो इस तरह का हम लोगों के पास में स्टूडेंट एलिप्स है ये, तो हमें सारी बातें इस एलिप्स के हिसाब से करनी है। तो इस एलिप्स में स्टूडेंट हमारे पास में मेजर एक्सिस की लेंथ होती है 2b और माइनर एक्सिस की लेंथ होती है 2a, इन दोनों का डिफरेंस 10 है, दैट इज बी माइनस ए इक्वल्स टू 5। इक्वेशन नंबर 1st, फोकस स्टूडेंट में होते हैं 0.± BE पर, तो बी इंटू ई जो है वो हमें 5√3 के बराबर दिया गया है। ठीक है, ये दो बातें स्टूडेंट हम लोगों को क्वेश्चन में दी गई हैं। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं स्टूडेंट, हम लोग स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1st का स्क्वायर करेंगे। तो इक्वेशन 1st का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू 25। बी स्क्वायर को लिखा जा सकता है स्टूडेंट, या फिर बी स्क्वायर को तो बी स्क्वायर ही रहने देंगे हम लोग, ए स्क्वायर को लिख सकते हैं स्टूडेंट हम लोग बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ध्यान रखिए ये वर्टिकल एलिप्स है, तो इसमें ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर के बराबर होगा, माइनस 2ab इक्वल्स टू 25। तो ये हो गया स्टूडेंट, देखिए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2b स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर मिला, और बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 3 यानी कि 75 माइनस 2ab इक्वल्स टू 25।
तो यहां से स्टूडेंट हमें रिलेशन मिल गया एक 2b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू व्हाट 100, यानी b स्क्वायर माइनस ab इक्वल्स टू 50। ये स्टूडेंट हमें b और a में एक और रिलेशन मिल जाता है। अब देखिए स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, b और a में एक रिलेशन हम लोगों को ये भी पता था स्टूडेंट, तो मैं यहां से b की वैल्यू को या a की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दूंगा। तो स्टूडेंट देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड में आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सो दिस इज b स्क्वायर माइनस b, और a की वैल्यू को हम रख देते हैं स्टूडेंट b माइनस 5, ठीक है, इक्वल्स टू 50। बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल हुआ, 5b इक्वल टू 50, यानी यहां से स्टूडेंट हमें मिल गया कि b की वैल्यू जो है वो 10 है। और अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम b वैल्यू रखते हैं तो 10 माइनस a इक्वल टू 5, तो a हमें मिल जाता है स्टूडेंट यहां पर 5, ठीक है। इसका मतलब लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ के लिए क्या करें, इस तरह के लिस्ट में स्टूडेंट लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होती है 2a स्क्वायर अपॉन b, दैट इज 2, ए स्क्वायर का मतलब हुआ 25 और b का मतलब हुआ 10, तो ये स्टूडेंट हम लोगों के पास में हो गया 5, तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 5 होगी, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में स्टूडेंट हम लोगों को कहा है कि एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला है जिसकी जो कि 4.6 से पास होता है और इसकी इसेंट्रिसिटी 2 है, देन द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला एट 4.6 पर जो टेंजेंट जा रही है हमें उसकी इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, सबसे पहले तो बी हम लोगों ने हाइपरबोला की इक्वेशन को सपोज किया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और इसको 4.6 से सेटिस्फाई कराया, तो 16 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 36 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये ए और बी में हमें एक रिलेशन मिल चुका है। अब इसमें इसेंट्रिसिटी के लिए स्टूडेंट हम लोगों ने रिलेशन हम लगाएंगे रिलेशन बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, ई स्क्वायर इज 4 माइनस 1, दैट इज बी स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर। अब स्टूडेंट हम लोग बी स्क्वायर की इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं, तो देखिए ये आएगा 16 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 36 अपॉन 3a स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 16 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 12 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहां से स्टूडेंट हमें ए स्क्वायर की वैल्यू मिलती है 4, और बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4 यानी कि 12, ए और बी दोनों हमें मिल चुके हैं। अब स्टूडेंट हम लोगों से 4.6 पर हाइपरबोला की जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन हम लोगों से पूछी गई है, तो देखिए 4.6 पर स्टूडेंट टेंजेंट की जो इक्वेशन है वो हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह लिखेंगे एक्स इंटू 4, ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा 4, वाई स्क्वायर की जगह लिखेंगे स्टूडेंट वाई इंटू 6, और बी स्क्वायर को हम लोग 12 रख देंगे इक्वल टू 1, यानी कि एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 1, तो ये हो गया 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमें मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में स्टूडेंट हम लोगों को कहा है द टेंजेंट टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एट द पॉइंट वेयर इट इंटरसेक्ट द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट पासेस थ्रू द पॉइंट, यानी कि ये दोनों कर्व स्टूडेंट एक दूसरे को फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिस पॉइंट पे कट करते हैं वहां पर हमें पैराबोला की टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो हम इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, तो उसके लिए मैं वाई स्क्वायर को 4x रख देता हूं सर्किल में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो यहां से स्टूडेंट एक्स को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1 एंड माइनस 5, चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है स्टूडेंट तो माइनस 5 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट हो ही नहीं सकता, और एक्स को अगर मैं 1 यहां रखता हूं तो स्टूडेंट वाई स्क्वायर आता है 4, वाई आता है प्लस माइनस 2,
एक तो प्लस टू एक माइनस टू, तो फिर से माइनस टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नहीं हो सकता। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन दोनों कर्व्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला स्टूडेंट वो हमें मिला 1.2। अब इस पे मुझे पैराबोला की टेंजेंट जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो पैराबोला की टेंजेंट होगी स्टूडेंट्स वाई स्क्वायर की जगह वाई इंटू टू और 2x की जगह x प्लस 1। तो ये हो गया स्टूडेंट हम लोगों के पास में x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब कौन सा पॉइंट इस पर लाई करता है ये हम लोगों को पूछा गया है। पहला पॉइंट इसके अंदर रखे हैं स्टूडेंट तो 3/4 माइनस 7/4। देखिए पहला पॉइंट इसके अंदर रखते हैं तो 3/4 माइनस 7/4 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो माइनस 4/4 यानी माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 विच इज करेक्ट। इसका मतलब पहला ही पॉइंट इस कर इस लाइन पर लाई करता है तो वही हमारे क्वेश्चन का आंसर भी हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में स्टूडेंट हम लोगों को एक लाइन की इक्वेशन दी है जो कि इस हाइपरबोला के लिए नॉर्मल का काम करती है। देन m की वैल्यू हम लोगों से पूछी, यानी ये लाइन अगर इसकी नॉर्मल है तो m की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो स्टूडेंट देखिए ये जो हाइपरबोला की इक्वेशन हम लोगों को दी गई है, इस हाइपरबोला की जो नॉर्मल होती है उसकी इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एम अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर। ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एम अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, ये हमारे पास रिलेशन है। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन नॉर्मल का काम कर रही है स्टूडेंट तो ये क्वांटिटी और 7√3 शुड बी इक्वल टू ईच अदर। तो 7√3 इक्वल्स टू 42 इंटू एम अपॉन 24 माइनस 18 एम स्क्वायर रूट। तो यहां से हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं तो 3 इंटू 24 माइनस 18 एम स्क्वायर इक्वल टू 36 इंटू एम स्क्वायर। दैट इज देखिए ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास में 24, 3 से हम कैंसिल करेंगे तो उधर 12 एम स्क्वायर हो चुका है और ये 18 उधर गया तो 30 एम स्क्वायर। तो यहां से स्टूडेंट हमें एम की वैल्यू मिलेगी, एम स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 4/5। तो m हम लोगों को मिलेगा 2/√5 जो कि हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए स्टूडेंट, इफ द टेंजेंट टू द पैराबोला एट द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा इज ऑल्सो ए टेंजेंट टू दिस एलिप्स देन अल्फा इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट हम सबसे पहले तो टेंजेंट को निकाल लेते हैं, तो टेंजेंट होगी y इंटू बीटा इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस एल्फा, यानी y इक्वल्स टू 1/2 बीटा x प्लस एल्फा अपॉन 2 बीटा। ये स्टूडेंट टेंजेंट की इक्वेशन हुई। अब एक बात ये भी हमें फॉलो करनी पड़ेगी स्टूडेंट की ये पॉइंट इस पैराबोला पर लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो उससे हमें रिलेशन मिलेगा स्टूडेंट कि बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा। और तीसरी बात यह है स्टूडेंट कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो इस इलिप्स को भी टच करती है। इलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1/2 इक्वल टू 1। अगर कोई स्ट्रेट लाइन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस इलिप्स को टच करती है स्टूडेंट तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे हम अप्लाई कर देंगे तो सी स्क्वायर हो गया था स्टूडेंट यहां पर अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 बीटा स्क्वायर, ए स्क्वायर हो जाता है हम लोगों के पास में 1 और एम स्पेंड हो जाता है 1/4 बीटा स्क्वायर, एम स्क्वायर हो जाता है 1/4 बीटा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर स्टूडेंट इलिप्स में है 1/2, ये रिलेशन हमें मिलता है। अब स्टूडेंट हमें देखिए अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे
कि बीटा स्क्वायर को अल्फा रख देते हैं, तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर अपॉन 4, और बीटा स्क्वायर को मैंने रख दिया अल्फा, इक्वल टू 1 अपॉन 4 अल्फा प्लस 1 अपॉन 2, और यहाँ से सॉर्ट आउट करके हम अल्फा निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये हमारे पास बन जाता है स्टूडेंट अल्फा बाई 4 माइनस 1 बाई 4 अल्फा माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाता है स्टूडेंट हमारे पास में, हम एलसीएम ले लेंगे 4 अल्फा, तो 4 अल्फा एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है अल्फा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 अल्फा इक्वल टू 0। अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से स्टूडेंट हम अल्फा निकालेंगे श्रीधर आचार्य फॉर्मूला से, अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ए इंटू सी डिवाइड बाई 2 ए। तो अल्फा इक्वल टू 1 प्लस माइनस, देखिए ये होगा रूट 8, 2 रूट 2 से लिखेंगे, 2 कैंसिल हुआ, तो 1 प्लस रूट 2 और 1 माइनस रूट 2, ये दो क्वांटिटी हम लोगों को यहाँ पर मिल रही है। तो 1 प्लस रूट 2 स्टूडेंट हम लोगों को ऑप्शंस में नजर आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन, तो वो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18th, क्वेश्चन नंबर 18th में देखिए स्टूडेंट हम लोगों को कहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो इस एलिप्स की 3, -9/2 पॉइंट पर टेंजेंट है। तो इस एलिप्स में हमें लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ पूछी गई है। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात तो क्या है कि 3, -9/2 इस एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वहां से हमें रिलेशन मिलता है 9/a² प्लस 81/4 b² इक्वल टू 1। ठीक है, एक रिलेशन तो स्टूडेंट हम लोगों को ए और बी में ये मिल जाता है। दूसरी बात क्या है स्टूडेंट कि अगर हम इस एलिप्स में इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन को फाइंड आउट करें तो वो होनी चाहिए थी एक्स इंटू 3 अपॉन ए स्क्वायर, फिर वाई की जगह होना चाहिए था वाई इंटू -9/2 इक्वल टू 1। ये स्टूडेंट हम लोगों के पास में टेंजेंट की इक्वेशन होनी चाहिए थी, लेकिन टेंजेंट की इक्वेशन तो हमें ऑलरेडी दी गई है x-2y = 12। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड इक्वेशन नंबर थर्ड आर रिप्रेजेंटिंग सेम स्ट्रेट लाइंस, सो वी कैन कंपेयर दीज टू इक्वेशंस। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं स्टूडेंट, तो देखिए x का कोफिशियंट 3 अपॉन ए स्क्वायर और यहां है x का कोफिशियंट 1, यहां y का कोफिशियंट है स्टूडेंट -9/2 b² और यहां है -2। कॉन्स्टेंट टर्म इधर है 1 और इधर है हमारे पास में 12। तो अब यहां से स्टूडेंट हम देखिए a और b की वैल्यू के बारे में बात कर सकते हैं डायरेक्टली, 3/a² 1/12 के बराबर है। तो स्टूडेंट ए स्क्वायर किसके बराबर हो गया 3 × 12 यानी कि 36, 3/a² इक्वल टू 1/12, सो a² इक्वल्स टू 36। फिर यहां से हम देखते हैं स्टूडेंट, तो देखिए यहां हम लोगों को रिलेशन मिल रहा है माइनस माइनस, तो हमारे पास में ये हो गया प्लस 9/4 b² इक्वल टू 1/12, ये रिलेशन हम लोगों को मिल रहा है यहां पे। तो ये हो गया यहां से स्टूडेंट b² इक्वल टू 27। ठीक है, ये हमको b का रिलेशन भी मिल गया। अब स्टूडेंट हम लोगों से लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ पूछी है, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ के लिए फॉर्मूला होता है 2 b² / a। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास में 2 b² हो गया 27, a हो गया 6, तो ये हो गया स्टूडेंट हम लोगों के पास में 9। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम विल बी 9। क्वेश्चन नंबर 19 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में स्टूडेंट देखिए हमें ये कहा है कि इफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द हाइपरबोला सेंटर्ड एट द ओरिजन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस इज 5x = 4√5/y एंड इट्स इसेंट्रिसिटी इज ई देन। अब देखिए स्टूडेंट कि हमारे पास में जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि जो डायरेक्ट्रिक्स है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इसका मतलब ये हाइपरबोला एक स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है जिसकी इक्वेशन हम लोग x² / a² - y² / b² = 1 सपोज कर सकते हैं। अब इस हाइपरबोला को ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, तो 16 अपॉन a² - y² का मतलब हुआ स्टूडेंट
4 into 3, 12 upon b square equal to 1. Now, स्टैंडर्ड हाइपरबोला में स्टूडेंट डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू a अपॉन e. तो यहां पर a अपॉन e की वैल्यू का काम कौन कर रहा है स्टूडेंट, 4√5 अपॉन 5. ठीक है, a अपॉन e की वैल्यू ये हो गई हमारे पास में. अब देखिए स्टूडेंट्स कि यहां से हम लोगों को a मिल चुका है, a हमें मिला है 4√5 इंटू ई. ये a मैं इसेंट्रिसिटी की टर्म्स में बोल सकता हूं. अब b स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1. तो यहां से स्टूडेंट b स्क्वायर आ जाता है, a स्क्वायर का मतलब हुआ 16 अपॉन 5 ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1. ये स्टूडेंट हम लोगों के पास में b स्क्वायर की वैल्यू आई. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल पुट वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड b फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट. तो उसमें देखिए हम लोगों को किस तरह का रिलेशन मिलेगा स्टूडेंट्स. 16 अपॉन ए स्क्वायर इज 16 ई स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 12 अपॉन बी स्क्वायर. बी स्क्वायर इज 16 अपॉन 16 ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 5 इक्वल टू 1. नाउ वी विल सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन टू गेट वन ऑफ द ऑप्शंस. तो ये स्टूडेंट हमारे पास में हुआ देखिए 5 अपॉन ई स्क्वायर. मैं 1 अपॉन ई स्क्वायर तो यहां से स्टूडेंट कॉमन ही ले लेता हूं, दोनों में 1 अपॉन ई स्क्वायर में दिख रहा है. तो देखिए यहां पे बचता है हमारे पास 5. फिर यहां हमारे पास बचता है स्टूडेंट देखिए 1 अपॉन ई स्क्वायर कॉमन जा चुका है, 4 से हमने कैंसिल किया तो ये 3, ये 4, ये 5 हमारे पास बचा हुआ है और ये ई स्क्वायर माइनस 1 भी हमारे पास बचा हुआ है इक्वल टू व्हाट, 1. ठीक है, 5 को भी कॉमन ले सकते हैं. तो यहाँ आ गया 5 अपॉन ई स्क्वायर और फिर हमने स्टूडेंट 4 इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 एलसीएम लिया. तो यहाँ आ गया 4 ई स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 इक्वल टू 1. दैट इज 5 इंटू 4 ई स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 4 ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1. ये रिलेशन हमें मिला. तो देखिए स्टूडेंट ये हो गया 4 ई टू दी पावर 4 माइनस में 4 ई स्क्वायर और यहां पे 20 ई स्क्वायर उधर गया तो माइनस में 24 ई स्क्वायर एंड प्लस में 35 इक्वल टू 0. तो 4 e टू दी पावर 4 माइनस 24 ई स्क्वायर प्लस 35 इक्वल टू 0 विच इज ऑप्शन नंबर 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 में स्टूडेंट हमें कहा है कि एक इलिप्स है जिसकी टेंजेंट एंड नॉर्मल पॉइंट 2,2 पर एक्स एक्सिस को क्यू और आर पर मिलती है. तो ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया हमसे पूछा गया है. तो स्टूडेंट इलिप्स की इक्वेशन है हम लोगों के पास में एक्स स्क्वायर अपॉन 32 अपॉन 3 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 32 अपॉन 5 इक्वल टू 1. दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स. अब पी पॉइंट पर स्टूडेंट मैंने टेंजेंट की इक्वेशन निकाली 2,2 पे, तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स इंटू 2, वाई स्क्वायर की जगह वाई इंटू 2. ये हम लोगों को टेंजेंट की इक्वेशन मिल गई. अब ये टेंजेंट स्टूडेंट एक्स एक्सिस को कट करती है क्यू पर, तो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट निकालने के लिए वाई को जीरो रख दें. वाई को अगर जीरो रखेंगे स्टूडेंट तो हमें एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, 16 अपॉन 3. तो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे पास 16 अपॉन 3 कॉमा 0. अब इसी तरह से स्टूडेंट हम लोग नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लेते हैं 2,2 पे. तो इलिप्स में एक्स 1 कॉमा वाई 1 पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, ए स्क्वायर यानी 32 अपॉन 3 एक्स ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स 1 प्लस या सॉरी माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स 1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई 1 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है,
नॉर्मल की इक्वेशन होती है x1 y1 पॉइंट पे, वही हम लोगों ने स्टूडेंट यहां पर जज कर ली है, ठीक है। अब देखिए ये एक्स एक्सिस को कट करता है पॉइंट r पर, तो इसमें y को अगर मैं जीरो रख दूंगा तो मुझे r पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिलने चाहिए। तो जैसे ही मैं स्टूडेंट इसमें y को जीरो रखता हूं, देखिए 32 थ्रू आउट आ रहा है तो वो तो कैंसिल आउट होगा, तो ये बनेगा स्टूडेंट वाई को जीरो रखने पर एक्स अपॉन सिक्स इक्वल टू 1/3 माइनस 1/5, तो ये हो गया हमारे पास 5 - 3 = 2, यानी स्टूडेंट एक्स आ गया यहां से हमारे पास में 12/15 यानी कि 4/5। तो यहां से स्टूडेंट हम लोगों को आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिले 4/5, 0, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों को P पॉइंट दिया गया है 2, 2, Q हमें पता है, R हमें पता है, तो हमें ट्रायंगल PQR का एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहां देखिए स्टूडेंट, ये जो Q और R पॉइंट है ये है 16/3, 0 और ये है हमारे पास 4/5, 0 और P पॉइंट है हमारे पास 2, 2 और इस ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना है। तो स्टूडेंट इसको हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं 1/2 बेस, बेस का मतलब QR, तो ये लेंथ कितनी होगी हम लोगों के पास में 16/3 माइनस 4/5 इंटू हाइट, तो ये चूंकि एक्स एक्सिस है तो पी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस उसके वाई कोऑर्डिनेट यानी 2 के बराबर होगी, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये हो गया स्टूडेंट हम लोगों के पास में 1/2 5 तो 80 माइनस 12 और ये हो गया 2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल कर दिया हम लोगों ने, तो 68/15, ठीक है। ये स्टूडेंट हम लोगों को आंसर मिल रहा है और ये देखिए हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। इफ 5x + 9 = 0 इज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द हाइपरबोला 16x² - 9y² = 144, देन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग फोकस। तो स्टूडेंट देखिए, हाइपरबोला की इक्वेशन जो हमें दी गई है, 144 को मैं डिवाइड करता हूं तो x² / 9 माइनस y² / 16 = 1, तो एक स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला हमें दिया गया है। इसमें स्टूडेंट्स जो डायरेक्ट्रिक्स होती है उनकी इक्वेशन होती है x = ± a/e, तो चूंकि डायरेक्ट्रिक्स हमें दी गई है 5x + 9/5, तो a/e का जो काम है स्टूडेंट वो कर रहा है इसमें 9/5, ठीक है। और a तो वैसे ही हम लोगों को पता है 3 है, तो 3/e = 9/5, तो यहां से स्टूडेंट इसेंट्रिसिटी हमें क्या मिल जाएगी, इसेंट्रिसिटी हमें मिलेगी 5/3, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स, चूंकि a और e दोनों हमें पता है और हम लोगों से पूछा क्या है, यहां पर हम लोगों से पूछा है फोकस, तो फोकस होते हैं प्लस इस, अगर मैं इस डायरेक्ट्रिक्स की बात करूं तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग फोकस तो माइनस ए कॉमा जीरो होगा स्टूडेंट, तो माइनस ए हमारे पास में 3 है, ई हमको 5/3 मिला है कॉमा जीरो यानी कि -5, 0, तो फोकस होगा स्टूडेंट -5, 0, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हमसे पूछा था। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए स्टूडेंट हम लोगों को कहा है कि दो कर्व है y² = 16x एंड xy = -4, इन दोनों की कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन हम लोगों से पूछी गई है। तो स्टूडेंट हम लोग टेंजेंट को मान लेंगे y = mx + a/m, ठीक है। अब xy = -4, देखिए स्टूडेंट आपको ध्यान होगा बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले भी किया है, y की इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में रख दूंगा, उससे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी और उसके डिस्क्रिमिनेंट को मैं जीरो बोल दूंगा। तो स्टूडेंट x इंटू वाई रख दिया मैंने mx + 4/m = -4, दैट इज mx² + 4/m (x + 4) = 0। नाउ इसके डिस्क्रिमिनेंट को हम जीरो रखेंगे तो b² (16/m²) - 4 a (c) = 0, ठीक है। ये हम लोगों को मिला, तो यहां पर स्टूडेंट ये हो गया हमारे पास में 1/m² = m, दैट इज m = 1, स्लोप की वैल्यू हमें 1 मिल चुकी है। तो
तो इस टाइम टेंजेंट की इक्वेशन होगी y इक्वल टू एम की इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस फोर बाई एम तो y इक्वल टू एक्स प्लस फोर ठीक है यानी x माइनस वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो विच इज ऑप्शन नंबर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 23rd. क्वेश्चन नंबर 23rd में स्टूडेंट हम लोगों को ये कहा है कि P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू दिस पैराबोला एंड दिस हाइपरबोला. ठीक है P जो है वो इस पैराबोला इस हाइपरबोला की कॉमन टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. S एंड S डैश डिनोट्स द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला वेर S लाइज ऑन द पॉजिटिव X एक्सिस देन P डिवाइड्स S S डैश इन विच रेशियो. तो स्टूडेंट हमें पहले यहां पर दोनों की टेंजेंट्स निकालनी पड़ेगी और फिर उनका हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा. तो मैंने टेंजेंट की इक्वेशन को सपोज किया स्टूडेंट y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए ए इज थ्री बाई एम. ठीक है अब हाइपरबोला हमें दे रखा है एट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एट. तो स्टूडेंट अगर ये लाइन इस हाइपरबोला की टेंजेंट है तो इन दोनों का सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा. मैं वाई की इस वैल्यू को यहां रखूंगा और जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसके डी को जीरो रख दूंगा. तो एट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब हुआ स्टूडेंट एम एक्स प्लस थ्री बाई एम का होल स्क्वायर इक्वल टू एट. तो ये हमारे पास में स्टूडेंट हो जाता है एट माइनस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर फिर माइनस सिक्स एक्स प्लस या सॉरी माइनस माइनस कॉमन ले लिया नाइन बाई एम स्क्वायर प्लस एट इक्वल टू जीरो. ठीक है ये हमें एक्स में क्वाड्रेटिक मिली स्टूडेंट. अब इसके डिस्क्रिमिनेंट को मैं इक्वल टू जीरो रख दूंगा तो ये हो जाएगा देखिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए इंटू सी इक्वल टू जीरो. ठीक है ये हम लोगों को स्टूडेंट यहां पर पता लग रहा है. अब देखिए स्टूडेंट्स कि यहां से अब हम लोगों को m की वैल्यूज पता करनी है. तो m की वैल्यू को पता करने के लिए हम क्या करने वाले हैं तो अब देखिए स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो 4 से तो हमारे पास में यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है तो ये हो जाएगा हम लोगों के पास में 9 प्लस 9 एम स्क्वायर. एम स्क्वायर हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो 9 एम स्क्वायर प्लस 72 प्लस 64 एम स्क्वायर माइनस 9 एम स्क्वायर माइनस 8 एम टू द पावर 4 इक्वल टू जीरो. तो ये 9 एम स्क्वायर और 9 एम स्क्वायर तो हमारे पास में स्टूडेंट कैंसिल आउट हो गया. तो यहां पे स्टूडेंट हम लोगों को मिल गया 8 एम टू द पावर 4 माइनस 64 एम स्क्वायर और माइनस 72 इक्वल टू जीरो. थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एम टू द पावर 4 माइनस 8 एम स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू जीरो. तो एम स्क्वायर माइनस 9 इंटू एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू जीरो. ये स्टूडेंट इसके फैक्टर हो गए. तो यहाँ से देखिए एम स्क्वायर की वैल्यू मिली 9 यानी एम की वैल्यू मिली प्लस माइनस 3 यानी कॉमन टेंजेंट्स का जो स्लोप होगा वो 3 या माइनस 3 होगा. तो स्टूडेंट अगर मैं इनको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखता हूँ तो देखिए दो टेंजेंट हमें मिलेगी. एम को 3 रखा तो वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 और अगर माइनस 1 माइनस 3 रखूंगा यहाँ पे तो 3x y इक्वल टू 3x प्लस 1 एंड सेकेंड टेंजेंट मिली y इक्वल टू माइनस 3x माइनस 1. इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन स्टूडेंट हम लोगों को बोल रखा था कि इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो P है. ठीक है तो P पॉइंट क्या हो गया स्टूडेंट इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. इन दोनों को जोड़ते हैं तो देखिए y तो स्टूडेंट 0 आएगा और y को 0 रखेंगे तो x आएगा हमारे पास में माइनस 1 बाय 3. तो P पॉइंट स्टूडेंट हमारे पास में माइनस 1 बाय 3 कॉमा 0 है. फिर उसके बाद में स्टूडेंट हम लोगों को इसके फोकस फाइंड आउट करना है. देखिए हाइपरबोला की इक्वेशन थी जो हमने सेकंड एक्स स्क्वायर अपॉन 1
माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 8 इक्वल टू 1, इसके फोकस को हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लोग इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करेंगे, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, तो ई स्क्वायर इक्वल टू 9 आएगा, तो ई आ गया स्टूडेंट 3, तो फोकस होगा प्लस माइनस ए कॉमा 0, दैट इज प्लस माइनस ए है स्टूडेंट हम लोगों के पास में 1 इंटू ई है हमारे पास 3, तो प्लस माइनस 3, 0, तो दो फोकस मिले 3, 0 माइनस 3, 0, इसमें से कहा है स्टूडेंट कि एस जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर लाई करता है, तो एस तो हो गया स्टूडेंट 3, 0 और एस डैश हो गया माइनस 3, 0। और देखिए पी पॉइंट हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके थे स्टूडेंट, वो था हम लोगों के पास में माइनस 1/3, 0, ठीक है, ये हम लोगों के पास में पी पॉइंट था। हम लोगों से स्टूडेंट ये पूछा है कि P जो है वो SS डैश को किस रेशियो में डिवाइड करता है, यानी कि हम लोगों से पूछा है कि SP अपॉन PS डैश इस लेंथ का रेशियो कितना है। तो SP लेंथ तो हो गई स्टूडेंट हमारे पास में 3 + 1/3 और PS डैश लेंथ हम लोगों के पास में हो जाएगी स्टूडेंट 3 - 1/3, यानी ये हो जाएगा स्टूडेंट 10/8 यानी 5/4 यानी 5:4 हमारा रिक्वायर्ड रेशियो है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 24 में स्टूडेंट देखिए हम लोगों को ये कहा है कि इस इलिप्स की एक नॉर्मल है पी पॉइंट पर खींची गई जो कि 2x + y = 4 के पैरेलल है, और इसी पी पॉइंट पर खींची गई एक टेंजेंट है जो कि 4, 4 से पास होती है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम पी पॉइंट को सपोज कर लेते हैं x1, y1, ये हमने पी पॉइंट को सपोज किया। अब स्टूडेंट देखिए कि हम लोग टेंजेंट की इक्वेशन निकाल रहे हैं सबसे पहले पी पॉइंट पर, तो वो होगा 3x² की जगह x(x1) हमें मिलेगा, उसके बाद में y² की जगह हम लिखेंगे y(y1) इक्वल टू 12। ये स्टूडेंट x1, y1 पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन निकाली जो कि 4, 4 से पास होती है, तो 4, 4 इसको सेटिस्फाई कर देगा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हम लोगों के पास में 12x1 + 16y1 = 12, ठीक है, ये हम लोगों को एक रिलेशन मिल गया स्टूडेंट हम लोगों के पास में। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 3x1 + 4y1 = 3। अब स्टूडेंट देखिए कि ये जो x1, y1 पॉइंट पे मैंने टेंजेंट निकाली है इसका स्लोप हम लोगों को मिल रहा है माइनस में 3x1 / 4y1, ये हम लोगों को इसका स्लोप मिल रहा है। तो बताइए कि जो नॉर्मल होगी इसी पॉइंट पर खींची गई उसका स्लोप क्या होगा, उसका स्लोप होगा 4y1 / 3x1, लेकिन नॉर्मल अगर इसके पैरेलल स्टूडेंट तो इसका जो स्लोप है 2x + y = 4 का स्लोप और नॉर्मल का स्लोप इक्वल होगा, 2x + y = 4 का स्लोप है स्टूडेंट -2, तो इसको मैंने -2 के बराबर कर दिया। तो यहां से आप देखिए स्टूडेंट हम लोगों को एक रिलेशन मिल रहा है और रिलेशन ये है हम लोगों के पास में कि 2y1 = -3x1। अब हम इन दोनों रिलेशन से स्टूडेंट्स x1 और y1 की वैल्यू को निकालेंगे, तो by 1 एंड 2 3x1 4y1 की जगह मैं -6x1 लिख सकता हूं स्टूडेंट इक्वल टू 3, तो माइनस में 3x1 = 3, तो x1 हमें मिला है -1 और x1 को अगर मैं स्टूडेंट यहां पर -1 रखता हूं तो 2y1 = 3, तो y1 हो जाएगा प्लस में 3/2, ठीक है। तो हम लोगों को स्टूडेंट्स P पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं, वो है -1, 3/2। Q पॉइंट हमारे पास में 4, 4 है और हमसे PQ डिस्टेंस पूछी गई है, तो सीधे सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, तो 4 + 1 = 5 + 4 - 3/2 इसका होल स्क्वायर इस पूरे का रूट, यानी कि 25 + 8 - 3 = 25/4 इसका रूट, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हम लोगों के पास में 125/4 का रूट, दैट इज 5√5/2। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 में स्टूडेंट हम लोगों को कहा है कि एक इलिप्स है जिसके फोकस है 0, 2 और 0, -2, तो फोकस स्टूडेंट हम लोगों के पास में हमें ये वर्टिकल इलिप्स का काम कर रहा है, तो B into E जो है वो हमको 2 दिया गया है,
और माइनर एक्सिस की लेंथ, तो वर्टिकल एलिप्स है तो माइनर एक्सिस की लेंथ 2a होगी, वो 4 है यानी a की वैल्यू 2 है. दिस पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस. नाउ स्टूडेंट, इसमें मैं a, b और e का रिलेशन क्या लिख सकता हूं, a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर. तो ये हो जाएगा देखिए 4 इक्वल टू b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर e स्क्वायर, और b स्क्वायर e स्क्वायर हो जाएगा 4. तो यहां से स्टूडेंट b स्क्वायर आ गया 8. तो इलिप्स की इक्वेशन हो गई x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. तो हमसे पूछा स्टूडेंट कि इनमें से कौन सा पॉइंट इस पर लाई करता है, तो हम सेटिस्फाई करा सकते हैं. पहला ऑप्शन अगर मैं इसके अंदर रखता हूं तो 2 बाई 4 प्लस 4 बाई 8 इक्वल टू 1. तो 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू 1, दिस इज ए करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट. इसका मतलब पहला ही पॉइंट इस कर्व पर लाई करता है. क्वेश्चन नंबर 26 जो है स्टूडेंट, उसमें हम लोगों को देखिए एक इलिप्स के फोकस के बीच की जो डिस्टेंसेज हैं वो 6 है और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस 12 है, तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ पूछिए. तो हम इसे स्टूडेंट एक स्टैंडर्ड इलिप्स मान करके करेंगे. तो स्टैंडर्ड इलिप्स में दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस स्टूडेंट 2a e होती है जो कि यहां 6 है, और दोनों डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस 2a अपॉन e होती है जो यहां 12 है. तो a हो गया हम लोगों के पास में 6e. तो पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं. तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन a इंटू e को मैंने रख दिया स्टूडेंट a बाय 6 इक्वल टू 3, तो a स्क्वायर इक्वल टू 18, ये हमें मिला. अब स्टूडेंट देखिए b स्क्वायर होता है a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर. ठीक, तो एक चीज हम लोग ये भी कर सकते हैं, देखिए a यहां पर मिल रहा है हम लोगों को स्टूडेंट रूट 18. a को मैं यहां पे रूट 18 रखता तो e मुझे मिलता है स्टूडेंट 3 बाई रूट ओवर 18 यानी 3 अपॉन 3 रूट 2 यानी 1 बाय रूट 2. तो इसेंट्रिसिटी भी 1 बाय रूट 2 है, ये भी हमें पता है. तो ये हो गया 18 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2, तो ये हो गया स्टूडेंट 9. ठीक है, तो देखिए अब हम लोगों को स्टूडेंट ए और बी दोनों की वैल्यू पता है. लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ का फॉर्मूला होता है 2 बी स्क्वायर अपॉन ए, तो 2 इंटू 9 और ए स्टूडेंट हम लोगों के पास में है 3 रूट 2, तो ये हमें मिलेगा 3 रूट 2. ये लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हुई, ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन नंबर 27 में स्टूडेंट हम लोगों को कहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो इस इलिप्स की टेंजेंट है, देन द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ द इलिप्स. तो स्टूडेंट देखिए ये जो टेंजेंट है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3y इक्वल टू माइनस में 3x प्लस 12 रूट 2 यानी y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4 रूट 2. अगर ये लाइन उस इलिप्स को टच करती है स्टूडेंट तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा. तो सी स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट 16 इंटू 2 32, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही रहने वाला है और एम यहां पे स्टूडेंट माइनस 1 है तो एम स्क्वायर 1 हो गया और बी स्क्वायर हो जाएगा 9. तो यहां से स्टूडेंट ए स्क्वायर हम लोगों को मिल रहा है 23. ठीक है, तो क्वेश्चन में यहां पर स्टूडेंट हम लोगों से पूछा है दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस, तो दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस 2a e होती है. ए हमें पता है, इसेंट्रिसिटी और निकाल लेते हैं. तो इसेंट्रिसिटी के लिए रिलेशन हम लोग यूज करेंगे स्टूडेंट बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 9 अपॉन 23, दैट इज ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 9 अपॉन 23. तो 23 माइनस 9 अगर करते हैं स्टूडेंट तो 14 अपॉन 23 आया. तो अब देखिए दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस होगी स्टूडेंट 2a e, तो 2 a हमारे पास में है स्टूडेंट रूट ओवर 23 और e हमारे पास में है 14 अपॉन 23 का रूट, तो ये दोनों कैंसिल हुए. तो ये हो गया स्टूडेंट हम लोगों के पास में 2 इंटू रूट ओवर 14. ठीक है, बट ये हमें ऑप्शंस में नहीं दिख रहा है स्टूडेंट, तो कोई ना कोई कैलकुलेशन एरर है, चेक करते हैं उसको एक बार हम लोग यहां पर. तो
इस कैलकुलेशन में स्टूडेंट कोई एरर नहीं है, इसको हमने क्रॉस चेक कर लिया है। यहाँ पर ऑप्शंस लिखने में एक गलती हो गई है, एक्चुअली में ये ऑप्शन 2√7 नहीं है बल्कि 2√14 है और यही हमारा सही है। तो कैलकुलेशन जो मैंने की थी वो सही है, आंसर शुड बी 2√14, तो यू शुड करेक्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए स्टूडेंट, हम लोगों को एक स्ट्रेट लाइन और एक इलिप्स दिया है जो कि एक दूसरे को पी पॉइंट पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कट करते हैं। पी पॉइंट पर हमने इलिप्स की नॉर्मल खींची है जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को -1/√2,0 और 0, बीटा पर कट करती है, तो बीटा की वैल्यू हम लोगों से पूछी गई है। तो स्टूडेंट हम लोग सबसे पहले y=mx को यहां रख देते हैं, तो ये देखिए हो जाएगा 2x² + m² x² = 1। तो यहां से स्टूडेंट x² आएगा 1/2 + m². तो यहां से x की दो वैल्यू आएगी +-1/√2 + m², लेकिन हम केवल पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे क्योंकि p तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो p पॉइंट का स्टूडेंट x कोऑर्डिनेट तो हो गया 1/2 + m² √, और y कोऑर्डिनेट होगा y = mx पर ये लाई करता है, तो m/2 + m² √। दिस इज पॉइंट p। अब इस पॉइंट पर स्टूडेंट हम लोगों ने इलिप्स की टेंजेंट की नॉर्मल की इक्वेशन खींची है। तो देखिए इस इलिप्स में इलिप्स की इक्वेशन थी हम लोगों के पास में x² / 1/2 + y² = 1। तो इलिप्स में स्टूडेंट किसी पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं a² x / x1 - b² y / y1 = a² - b² तो वही यहां भी यूज करेंगे, तो a² x / x1 -b² y / y1 = a² - b² तो 1/2 - 1। अब स्टूडेंट ये हमें कह रखा है कि ये जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस को -√2,0 पे कट करती है, तो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट निकालने के लिए मैं इसमें वाई को जीरो रख देता हूं। तो y को 0 रखता हूं तो जो x मिलेगा देखिए वो मिलेगा x/2 और 2 + m² √, या एक मिनट, y को 0 रखते हैं तो स्टूडेंट x/2 और ये 2 + m² √ सबसे ऊपर की तरफ चला गया −1/2, और यहां स्टूडेंट x की वैल्यू होगी -1/√2। ठीक है, तो x को मैंने रख दिया माइनस में 1/√2 और ये 2 और ये 2 कैंसिल कर दिए और ये 2 + m² √ न्यूमरेटर में एज इट इज बचा हुआ है और ये एक माइनस। ठीक है, 2 + m² = 9 × 2 = 18, तो m² = 16 आ गया स्टूडेंट, तो m आ गया हम लोगों के पास में ±4। ठीक है, ये हम लोगों को मिल गया। अब स्टूडेंट देखिए कि चूंकि p पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो ये y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होना चाहिए, तो m को अगर मैं नेगेटिव ले लूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए p शुड बी +4। अब हमें इसका y एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो मैं इसमें x को रख दूंगा 0। तो इस इक्वेशन में जैसे ही हम लोग स्टूडेंट x को 0 रखेंगे, y की जगह रखना पड़ेगा हमें बीटा, तो -बीटा, m को मैं रख दूंगा 4, तो ये हो जाएगा देखिए 2 + 16 मतलब √18, दैट इज 3√2 = -1/2। तो यहां से स्टूडेंट हम लोगों को देखिए क्या रिलेशन मिलेगा, ये हमने कैंसिल किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बीटा √2/3। ये हम लोगों को बीटा की वैल्यू मिल रही है √2/3, विच इज ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 29 में स्टूडेंट हमें कहा है कि एक हाइपरबोला है जो कि 10,16 से पास होता है और +-6,0 इसके वर्टेक्स हैं। तो नॉर्मल की इक्वेशन जो पी पॉइंट पे खींची गई है वो हमसे पूछी गई है। ठीक है, हाइपरबोला 10,16 पॉइंट से पास होता है और इसके वर्टेक्स हैं +-6,0।
तो लेट अस से स्टूडेंट की हाइपरबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए हो गया इसमें 6, माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये सबसे पहले तो स्टूडेंट 10, 16 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 100/36 माइनस 256/b² इक्वल टू 1, यानी 256b² इक्वल टू 100/36 माइनस 1, दैट इज 64/36। ठीक है, ये हम लोगों को मिला स्टूडेंट। तो देखिए यहां से ये 64 से इसको मैं कैंसिल करूंगा स्टूडेंट, तो ये हमको मिलेगा कितना 4। तो यहां से हमें बी स्क्वायर मिल गया स्टूडेंट 4 × 36, बी स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल चुकी है यानी कि 144। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट कि हमें इसका मतलब हाइपरबोला की प्रॉपरली इक्वेशन मिल चुकी है, अब हमें पी पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। तो किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही एक्स वन कॉमा वाई वन पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन को निकालने का तरीका है। तो स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए ये हमारे पास में हुआ स्टूडेंट्स 18x/5 प्लस 9y इक्वल टू 180, दैट इज 2x/5 प्लस वाई इक्वल टू 20, तो 2x + 5y इक्वल टू 100, 2x + 5y इक्वल टू 100, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 30 में स्टूडेंट देखिए E1 एंड E2 आर इसेंट्रिसिटीज ऑफ दिस एलिप्स एंड हाइपरबोला रेस्पेक्टिवली, E1 E2 इज दिस पॉइंट ऑन दिस एलिप्स, देन K इज इक्वल टू, तो हमें सबसे पहले इसेंट्रिसिटीज निकालनी पड़ेगी। तो अगर मैं एलिप्स की बात करूं स्टूडेंट, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो 1 माइनस E1 स्क्वायर इक्वल टू 2/9, E1 स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 2/9, तो 7/9। ठीक है, तो E1 आ गया स्टूडेंट √7/3। अब हाइपरबोला की बात करें तो उसमें हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, तो E यहां पे E2 है, तो E2 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4/9, तो E2 इक्वल टू 13/13/3। अब स्टूडेंट हमारे को E1 E2 पॉइंट मिल चुका है और ये पॉइंट इस एलिप्स पर है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 15 E1 स्क्वायर प्लस 3 E2 स्क्वायर इक्वल टू K, सो K इक्वल्स टू, हम यहां पर अब E1 और E2 की वैल्यू रख देंगे, तो 15 × E1 स्क्वायर का मतलब हुआ 7/9 प्लस 3 E2 स्क्वायर का मतलब हुआ 13/9। अब देखिए स्टूडेंट ये हमारे पास में कितना हो जाता है, 3 से कैंसिल किया तो 35/3 प्लस 13/3 यानी कि 48/3 यानी 16, तो K की वैल्यू स्टूडेंट हमें मिलती है 16। तो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए स्टूडेंट हमें ये कहा है कि इफ लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस ऑफ एन एलिप्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इज 4/√3, इफ दिस एलिप्स टचेज द लाइन दिस देन इट्स इसेंट्रिसिटी इज। तो स्टूडेंट एलिप्स जो है वो एक स्टैंडर्ड हमारे पास में एलिप्स है और उसमें माइनर एक्सिस की लेंथ 4/√3 है, यानी 2b की वैल्यू 4/√3 है, तो बी स्टूडेंट कितना है 2/√3। तो एलिप्स को हम सपोज कर सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो 4/3 इक्वल टू 1। नाउ ये एलिप्स स्टूडेंट इस स्ट्रेट लाइन को टच करता है, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को लिखा जा सकता है 6y = -x + 8, यानी y = -1/6x + 4/3। अगर ये स्ट्रेट लाइन इस एलिप्स को टच करती है स्टूडेंट, तो हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा सकते हैं, c² = a² m² + b², तो c² हो गया 16/9, a² m² हो गया 1/36
और बी स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास में 4/3, ठीक है। अब देखिए यहां से हम लोग कैलकुलेशन करके ए निकालेंगे, तो ए स्क्वायर बाई 36 हो गया स्टूडेंट हमारे पास में 16/9 माइनस 4/3 यानी 9, 16 माइनस 12 तो ये 4/9 है, तो ए स्क्वायर यहां से आया स्टूडेंट हम लोगों के पास में 16, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ए हमें ए स्क्वायर में पता है, बी स्क्वायर हमें पता है, इसेंट्रिसिटी पूछी है तो इसेंट्रिसिटी होगी बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। बी स्क्वायर हो गया 4/3, ए स्क्वायर 16 है ही, 1 माइनस ई स्क्वायर, तो 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 1/12, ई स्क्वायर इक्वल टू 11/12, तो ई हो जाएगा स्टूडेंट √11/√12 और √12 को लिख सकते हैं 2√3, तो इसेंट्रिसिटी होगी √11/√3, ये हमें ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया गया है। तो स्टूडेंट इसी के साथ हम लोगों का ये जो सेक्शन है ये खत्म होता है, 31 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए, थैंक यू।